मैडम थोड़ा परिचय आपका दीजिए। मेरा नाम मंजूषा है और ये फार्म जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो 2006 से स्टार्ट किया है। और ये जो फार्म है ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्टार्ट किया गया है। तो कैसे क्या क्या बनता है यहाँ पे? इससे हम लोग वूलन कपड़ा बनाते हैं, शॉल्स है, स्टोल्स है, मफलर्स है, जैकेट्स है, कैप्स है, ये सारा कपड़ा। किस चीज़ से बनाते हैं? ये रैबिट के ही बालों से बनता है। ये जो रैबिट्स हैं ये जर्मन अंगोरा ब्रीड है। इनका हर 75 दिनों में हम लोग कैंची से कटिंग करके बाल निकालते हैं। वो बाल मशीन्स में जाके प्रोसेस होता है और उससे फिर यार्न बन जाता है इस तरीके का। और फिर इस यार्न से हम लोग हमारे हैंडलूम के ऊपर शॉल्स, स्टोल्स वगैरह बनाते हैं। कितने साल से, कब से चल रहा है ये? 2006 से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और 2008 में हम लोगों ने हमारे हैंडलूम्स लगा दिए थे। गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों को दो गवर्नमेंट एजेंसी सपोर्ट करते हैं, नाबार्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो उन लोगों ने शुरुआत में यहाँ पे रैबिट रेयरिंग की और हैंडलूम की ट्रेनिंग्स वगैरह दिलवाई थी। 2006 से आप इस काम में हैं जी, तो जो आत्मनिर्भरशीलता होता है हाँ। वो कैसे कर पा रहे हैं? 2006 से लेके 2020 तक बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा हर बिजनेस डाउन हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा अंतर आया आपको है। आपको नहीं लग रहा है ये एक डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट है? हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो काम है ये पूरे इंडिया में सिर्फ 3 ही जगह होता है। फर्स्ट प्लेस हिमाचल में है, सेकंड प्लेस माउंट आबू है और थर्ड प्लेस उत्तरांचल में है, रानी चौरी। और ये हर जगह जिन भी 3 स्टेट में है वहाँ पे सिर्फ हिमाचल में 2 सिटीज़ में होता है, माउंट आबू ओनली प्लेस है और उत्तरांचल में भी 1 विलेज में ही होता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस यही, वैसे तो ये हर क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं रैबिट्स, लेकिन अगर लोग करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा एक इको फ्रेंडली काम है, जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक ये प्रोजेक्ट है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनमें भी कोई डैमेज नहीं होता है इसको रखने से। किस तरह का आप नए न्यू कमर्स के लिए क्या आप कैसे सहायता कर सकते हैं? हम तो इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इस यूनिट को लगाने के लिए सब्सिडाइज लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अभी एम्प्लॉयमेंट कितना है, कितने अभी? ये मेरे पास अब तक लगभग हम लोगों ने 70 से 80 महिलाओं को ट्रेंड किया है, और लॉकडाउन से पहले तक मेरे पास 12 मशीनें हैं, 12 ही चलती थी, लेकिन अभी मेरे पास 4 से 5 महिलाएं ही काम करती हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो चीज़ आप बनाते हैं जी, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से आप कितना एक पर आनम, एक साल में आप कितना कमाई हो सकता है इसमें से? इसमें कमाई का इस तरीके से तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू काम करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और उसका मार्जिन नहीं होता है। लेकिन अगर हाँ लोग करना चाहते हैं तो इसमें अच्छा मार्जिन वो ले सकते हैं, क्योंकि ये इजी प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं होता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें? हम शॉल बनाते हैं, एक सबसे बड़ा साइज़ जो होता है हमारे यहाँ का, उसको हम लोग जेंट्स शॉल बोलते हैं। वो 100 बाई 50 का होता है, उसको चादर के जैसा यूज़ किया जा सकता है। दूसरा साइज़ होता है लेडीज शॉल का, वो 90 बाई 40 का होता है। और तीसरा साइज़ होता है 20 बाई 80 का, वो स्टॉल होता है। और चौथा साइज़ होता है 30 बाई 80 का, वो भी स्मॉल स्टॉल होता है। और फिर सबसे छोटा साइज़ होता है मफलर का, वो 12 बाई 70 का होता है। सब रैबिट के, सारा रैबिट के ही वूल से बनता है।